नमस्कार भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो है, आज की वीडियो भाइयों, म्यूजिक सिस्टम दिखाऊंगा और बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम दिखाऊंगा भाइयों। दिखाने ही नहीं है, केवल इनके आपको रेट बताने हैं, क्या इनकी क्वालिटी है भाइयों और कहां से आप इन्हें मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो क्वालिटी क्या है, इनके अंदर की जो बात है सारी आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जैसे बोल देते हैं तो वो भी आपको सारी दी जाएगी कि भाई किस वाले म्यूजिक सिस्टम में कौन सी प्लेट है, कौन से सबवूफर हैं या स्पीकर हैं। तो टोटल भाइयों जो है, छोटे बड़े हर तरीके का आपको डेक दिखाएंगे, जैसे कि चार अपना स्पीकर है 12 इंची, ये दो स्पीकर हैं जी 15 इंची। भाइयों ये जो है पंजाब वाला डिज़ाइन आ जाता है, हैवी म्यूजिक सिस्टम आ जाते हैं, तो इनमें क्या इनका रेट है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो भाइयों आज की जो पूरी वीडियो होने वाली है, जो भाई म्यूजिक सिस्टम के शौकीन है, अपने ट्रैक्टर पे म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो भाई ये वीडियो उनकी जो है पूरी मदद करेगी कि भाई अंदर की क्वालिटी क्या है। भाई वो वीडियो बहुत देखे होंगे आपने, पर अंदर की क्वालिटी कोई भी नहीं दिखाता कि भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो भाई वो बहुत सारा सामान है भाई के पास, हर तरह के। और भाई वो मेन बात यह है कि कहीं भी ये सामान आप जो है मंगा सकते हो, कोई भी जितने भी सामान आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो भाई वो जो भाई है सरदार जी हैं, 15 साल पुराना इनका ये काम है। तो भाई अब जो है छोटे से शुरू कर लेते हैं भाई, इन सब की भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वीडियो में आएंगी। मेरे साथ है सरदार जी कुलदीप पुरका जी। की हाल है कुलदीप भाई? बढ़िया जी, आप सुनाइए। कुलदीप भाई जो अपना म्यूजिक सिस्टम है, शुरुआती से खोल के दिखाओ कि इसकी क्या क्वालिटी है जी। तो भाई सबसे छोटे डेक जिसकी कड़क आवाज है, इसमें मैं आपको अंतर दिखा दूं भाई। ये तो है जो इसमें 44-40 की ही प्लेट लगी हुई है भाई, बहुत ही अच्छा 8 इंची तक सबसे बढ़िया चलाती है जी, कड़क आवाज के लिए। तो भाई ये इस वाले डेक में जो है ये बाजार से लेकर के प्लेट लगाई गई है, देखो जी। और ये वाली जो प्लेट है भाई, ये देखो भाई का नाम कुलदीप सिंह, और ये जो है ये इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लेट है। तबीर जी आवाज का कितना फर्क है इन्हों का? आवाज का काफी फर्क है ये, इसकी मतलब आवाज फटती नहीं, एक तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आवाज की। ठीक है जी। और इसकी आवाज हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन आवाज में क्वालिटी कम होती है इसकी। ठीक है जी। तो भाई ये थी अपना जो 44-40 वाले सबसे छोटे डेक है। अब आपको स्पीकर दिखा दूंगी भाई, ये वाला जो स्पीकर है। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं खाली बक्से तक। भाइयों छोटी से छोटी जानकारी आपको मैं दूंगा, आपको बहुत ही आसानी रहेगी अगर आप डेक खरीदना चाहते हैं। भाइयों ये वाला जो बक्सा है, इसमें देखो ये पट्टियां कितनी छिदी हैं, जो इसको बंद करा गया है माइक का प्लाई से बंद करा गया है। तो भाइयों अपने अपने हिसाब से ले, ये बाजारू है जी, ये बाजार से मंगा रखी है इन्होंने, जो कि आम मिलती है बाजार में पेटी बक्सा। तो भाई ये वाला जो है ये इनका अपना मैन्युफैक्चर है, देखो जी पूरे में लकड़ी लगी हुई है, पूरा ठोस है ये, वजन में भी बहुत अंतर है। और भाई ये केवल एक प्लाई है, अगर आप इस पे कुछ लग जाएगा तो ये फट जाएगी, लेकिन भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और तीसरी जो क्वालिटी है भाई, पीवीसी बक्से, ये 10 इंची भी है 8 इंची भाई, ये पूरा प्लास्टिक का है, ये पूरी रफ एंड टफ चीज़ है, इसका कोई ख़राब होने का मतलब नहीं है। तो भाई दोनों ही बक्सों में जो है स्पीकर अलग टाइप के लगते हैं, वो इनकी अपनी डिज़ाइनिंग है जी। पीवीसी बक्से में अलग तरीके का स्पीकर लगता है, तब आवाज बनती है, और लकड़ी वाले में भाइयों अलग तरीके का लगता है। तो भाइयों अब 8 इंची की बात को खत्म कर देते हैं। तो भाइयों जो इनके रेट हैं भाइयों, अगर ये वाला सिस्टम आप सबसे सस्ते वाला लेते हो तो ये 2500 रुपए से मात्र शुरू है। और भाइयों अगर आप पूरी क्वालिटी में जाना चाहते हैं, बढ़िया चीज लेनी है, तो ये वाला डेक मिलेगा आपको, बक्सा ये वाला मिलेगा जी, स्पीकर भी हैवी मिलेगा। तो भाइयों जो 8 इंची की बात है, वो लेके 2500 से 3500 रुपए तक का डेक है भाइयों, पूरे का पूरा कंप्लीट। तो भाइयों अब हैवी डेक दिखाता हूँ मैं आपको, जो स्पीकर ऑपरेट करते हैं, इनमें से कोई भी जो डेक है भाइयों, बूफर वाले आगे आने वाले हैं, क्या उनकी क्वालिटी है। तो भाइयों इस वाले डेक के बारे दसो वीर जी की है, इधर 10 इंची स्पीकर होते हैं जी, जी 10 इंची स्पीकर के लिए, और इसमें कम रेंज में। ठीक है, कम रेंज में। तो इसमें क्या क्या भाई, पूरा लो अंदर से भाई, क्वालिटी देख लो, ये कॉइल वगैरह ऐसी होती है इसमें। कौन सी? 7294 में, 7294 में होती है जी, इसमें जो आईसी है, कम रेंज का ये है। ठीक है जी, इसमें क्या है जी, इसमें बताओ अंदर। इसमें फिर ये 75 नंबर प्लेट है। ठीक है जी, इसमें मॉस्फेट भी बड़े होते हैं, और 4 मॉस्फेट है। ठीक है जी, ये 10 इंची के लिए होती है जी, ये भी 10 इंची के लिए, ये भी 10 इंची के लिए। ठीक है जी, इसके लिए स्पीकर भी हैवी लगेंगे, 10 और 12 इंची के लिए होता है। ठीक है जी, ठीक है, अब आगे चलो जी, इसका बताओ जी ये क्या चीज है। ये 77 नंबर CX प्लेट है। ठीक है जी,
19,500 वाट में। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये 15 इंची तक चला देते हैं? 15 इंची तक। ठीक है, 12 इंची 15 इंची। तो भाइयों इनकी पेटियां भी दिखाऊंगा। और ये वाली जो है जी, ये प्लेट हमारी अपनी होती है जी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करी गई है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करी गई अपने हिसाब से। नाम है यहाँ कुलदीप सिंह। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, अपनी प्लेट है, इससे अच्छी क्वालिटी की है और थोड़ी रेट में भी हैवी है इससे। ठीक है, हाँ जी, बहुत 12 इंची 15 इंची के लिए। भाइयों जिस तरीके से ये डेक दिखाए, इनकी पेटियां दिखाता हूँ कि कौन सी है, और वहीं जाके जो है रेट की भी बात करेंगे कि भाई जो हैवी पेटी के साथ हैवी डेक लगेगा उसमें स्पीकरों का भी फर्क होगा। भाई साइज पे मत जाना, सभी चीजें दिखाता हूँ। तो कुलदीप भाई सबसे शुरुआती रेंज दिखाओ हमें पेटी की। शुरुआत ये 12,000 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है जी, और ये वाटरप्रूफ पर्दा है और ये सादा कोना है। ठीक है जी, क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है जी, और ठीक है। तो इसके साथ डेक कौन सा लगेगा? डेक इसमें 75 नंबर प्लेट लगती है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हमें जो है 12,000 रुपए में पड़ेगा। फिट करके देंगे, फ्रेम विद फ्रेम, विद फ्रेम है जी। भाइयों देख लो 12,000 रुपए इस पे आ जाओ जी। ये क्या, ये भी उतने भी है जी। इसका पर्दा वाटरप्रूफ होता है, बूफर में है ये। ठीक है जी, ये बूफर में। भाई देखो ये डीजे कोण, इसकी डीजे कोण में कड़क आवाज आएगी, दूर तक आवाज जाएगी, और इसकी जो है थोड़ा बेस ज्यादा मारेगा। दोनों का अपना अपना टेस्ट है। और भाइयों यहाँ पे एक बड़ी बात बता दूं, भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई थी, थोड़ी बात को रोक के, इनके पास जगह बहुत है जी। होता क्या है, जब अपने भाई जो है डेक लगवाने के लिए जाते हैं तो डेक को जो है दुकानदार जो है उसकी भी एक मजबूरी होती है भाई, वो केवल दुकान में ही चला के दिखाता है। तो दुकान में चला के दिखाने से भाई और बाहर ट्रैक्टर में चलाने पे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। ये बात इन्होंने ही मुझे बताई है, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है इनके पास आते हैं कि जी वहाँ दुकान में तो बहुत अच्छा चल रहा था और जो है जब हमने ट्रैक्टर में फिट कर लिया तो हमें आवाज़ में कमी महसूस हुई। तो भाई इनके पास पूरी खुली जगह है यहाँ पे, ये बाहर रख के या आपके ट्रैक्टर के पास में रख के चेक करा के जब फिट करते हैं, यानी जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए। ये बात से मैं भी बहुत एग्री हूँ इनकी कि भाई जैसे ही हम जो है इसको म्यूजिक सिस्टम को अंदर कमरे में चलाते हैं तो छोटा म्यूजिक सिस्टम ही बहुत हैवी बजता है, लेकिन बाहर जाके इसकी असली क्वालिटी का पता लगता है। अब इसके बारे में बताओ कुलदीप भाई। हाँ जी, पेटी का जो अपना बक्सा होता है सेम होता है। हाँ हाँ, बक्सा सेम होता है, और इसके जो स्पीकर की क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। इसमें 135 mm है, इसमें 155 mm की मैग्नेट होती है। अच्छा, डेक कौन सा आएगा? इसमें 77 नंबर प्लेट लगती है और ये 14,000 में फिट करके देते हैं विद फ्रेम। ठीक है जी, अब सबसे हैवी वाला दिखा दो जिसपे हैवी वाला डेक लगता है स्पीकर में। ये 15 इंची है जी। ठीक है जी, इसमें 77 नंबर प्लेट लगी हुई है, ये 16,000 का है विद फ्रेम। ठीक है, 77 नंबर जो सबसे लास्ट में देखी थी जी हमने, 77 जो अपनी बनी हुई है, अपनी बनी हुई लग जाए वो एक ही रेट में पड़ जाती है। ठीक है जी, ठीक है, दोनों में से चला के देख लो जोन सी भी जो अच्छी लगती है। तो भाई ये वाला अच्छा जी, इसमें बताओ ये जो चार बूफर है, 4 स्पीकर है जी 12 इंची। हाँ जी, इसका क्या हिसाब है जी? ये 18,000 की है 77 नंबर प्लेट के साथ। ठीक है जी, इसको 77 नंबर प्लेट पूरा ऑपरेट कर देती है जी बढ़िया? हाँ जी, बहुत बढ़िया चलती है, चाहे 2 स्पीकर और भी लगा लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया चलेगी। तो भाइयों इस तरीके से आपको अपना कोई भी दुकानदार सामान नहीं दिखाएगा। भाइयों ये हैवी म्यूजिक सिस्टमों के डेक है, तो इनमें जो है 4 चैनल भी अंदर ही इनबिल्ड है और जो है मोनो एम्प भी साथ में है। फिर जी आ केड़े किन्ने सबवूफर वाला? ये 2 सबवूफर में होता है। ठीक है जी, सब उनको चलाता है। एक मेन बात यह है कि इसमें कोई भी खोल के नहीं दिखाता, तो रेट कम करके बेच देते हैं ग्राहक। ठीक है, दुकानदार। तो उसमें क्या होता है कि 4 MOSFET होते हैं ज्यादातर, MOSFET होते हैं 4 MOSFET की, अगला कोई मतलब खोल के नहीं देखता अंदर से। ठीक है जी, तो वो सोचते हैं कि हमें भी कहते हैं कि वहाँ तो मतलब शेप एक सी होती है ना बाहर से। हाँ जी, शेप एक सी होती है। ये 2 सबवूफर ऑपरेट करेगा, स्पीकर कितने होते हैं? 7 लगा लो, 5 लगा लो, चाहे 9 स्पीकर होते हैं। ठीक, उसको जो 4 चैनल और मोनो का कॉम्बो है जी। ठीक है जी। और भैया जितने भी मैं आपको डेक दिखा रहा हूँ सारे डेक रिपेयरेबल हैं और इनके पास उनका पूरा सामान मौजूद है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि भाई खराब होगी तो सही नहीं होगी। अब इस डेक का बताओ जी। इतनी ही बड़ी बड्डी में लोग क्या करते हैं कि दुकानदार 6 MOSFET में देते हैं, हम 8 MOSFET होंगे इसमें, 4 इधर है 4 इधर है। ठीक है, तो ये सबसे हैवी वाला जी कितने सब बूफर ऑपरेट कर देता है? 15 इंची 4 सब बूफर या 3 सब बूफर को दोनों को ऑपरेट करता है। ठीक है जी, और स्पीकर कितने होते हैं जिसकी? स्पीकर 16। ठीक है, तो भाई सब बूफर वाली पेटियों पे आ जाओ सरदार जी। शुरू से रेंज लेके चलो, सबसे कम जो है रेंज वाली कितने की पड़ेगी? सबसे कम ये 2 सबवूफर में है जी 12 इंच में। ठीक है जी, 5 स्पीकर है इसमें। ठीक है जी, इसमें 6 MOSFET का डेक मतलब मोनो एम्प लगाते हैं। ठीक है जी, ये 20,000 में।
20,000 रुपए सरदार जी वो कुंडे समेत फिट करके है, फिट करके देंगे 20,000। ठीक है भाई, वो सारी फिटिंग करके है, ये जो उसमें एक यू पाइप भी आ जाता है वो भी इसी में शामिल है कीमत में। और अब आगे चलो जी अगली रेंज, ये 3 सबवूफर में है। ठीक है, एक नीचे होता है इसके। ठीक है जी, हाँ नीचे है जी, और इसमें 9 स्पीकर है। ठीक है जी, ठीक है, इसे ऑपरेट करने के लिए जो 8 MOSFET का हमने पहले दिखाया आपको मोनो एम्प, ठीक है जी, वही चलेगा। ठीक है जी, अब नीचे आ जाओ जी, ये भी 3 वाली है जी। ठीक है, सेम है ये भाइयों, तीनों जो आपको दिखाई इनके रेट बताए, ये 12 इंची। अब आ जाओ जी हैवी म्यूजिक सिस्टम की तरफ, इसके बारे में बताओ जी। ये 15 इंची सबवूफर है जी, इसमें ये दो बेस में है। ठीक है जी, दो बेस और 5 स्पीकर है इसमें। ठीक है, ये 6 इंची स्पीकर है भाई, 7 स्पीकर, 7 स्पीकर है, 2 ट्वीटर है, ट्वीटर सब में आपको मिलेंगे। हाँ जी। तो सरदार जी इसको भाइयों साइज दिखा दूं एक बार मैं आपको पीछे से, क्योंकि कुछ भाइयों को साइज इसका कॉम्पैक्ट सा साइज है जी, जो भाई सबवूफर का लगाना चाहते हैं अपना सबवूफर का मजा, और उन्हें बहुत भारी भरकम म्यूजिक सिस्टम नहीं चाहिए, तो भाइयों ये बड़ा बहुत ही बेस्ट है। देखो इसका पीछे से साइज मैंने आपको दिखाया, कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है, और 15 इंची आपको 2 सबवूफर मिल जाएंगे, लाइटनिंग वाइटनिंग सब कुछ भाइयों एक बार चला के भी दिखाएंगे आपको, भी लाइट मिलेगी। ठीक है जी, जो एयर एग्जॉस्ट है भाइयों तो उनमें भी आपको जो है लाइट मिलेगी। तो सरदार जी इसका क्या रेट है 2 सबवूफर डेक पूरा फिट करके? 24,000 का होता है। ठीक है जी, 24,000 रुपये भाइयों इसकी कीमत है। 6 MOSFET वाला इसमें मोनो एम्प चलता है। ठीक है जी, ठीक है, 6 MOSFET वाला एम्प चलता है। ठीक है जी, और ये आ गया जी 15 इंची, 15 इंची 3 वूफर में है ये, एक वूफर नीचे इसके भाइयों, एक वूफर नीचे है। थोड़ा भाई इस बात का ध्यान रखें, जब 3 सबवूफर की बात आ जाती है तो साइज काफी बढ़ जाता है, मैं आपको पहले ही दिखा दूं, कोई भी भाई कंफ्यूजन में ना रहे। स्पीकर कितने हैं जी इसमें? इसमें 16 स्पीकर है। तो भाई लगभग 6 इंच बड़ा है ये, लगभग जो है इससे पीछे को बैक जो 6 इंच, यदि बैक कितनी है भाई? तो भाइयों भाई ना 15 इंच इसकी बैक, और भाइयों जो बड़े हैवी म्यूजिक सिस्टम है उनकी मैं आपको बैक दिखा दूं, 20.5 है भाई, बहुत जो है साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन भाई इनका मजा डीजे जैसे चलते हैं फिर ये। और भाइयों अब जो सबसे फाइनली आपको इसका क्या रेट है सरदार जी? ये 35,000 की है जी। ठीक है जी, ये 35,000, इसमें जो है वो कौन सा लगाओगे? 8 MOSFET का, 8 MOSFET बड़ा मोनो एम्प लगेगा। ठीक है जी, और ये आ गया जी सबसे फाइनल जो है 4 सबवूफर है भाइयों, 2 सबवूफर इसकी निचली साइड है यहाँ पे, और स्पीकर कितने हैं सरदार जी? इसमें 16 जी, 16 छोटे स्पीकर हैं जी, ये सबसे हैवी म्यूजिक सिस्टम है। तो सरदार जी इसके लिए ऑपरेट करने के लिए कौन सा डेक लगेगा? भी इसके वाले लगेगा 8 MOSFET वाला। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। तो भाइयों इसकी क्या कीमत है सरदार जी? 38,000। ठीक है जी भाइयों, ये 38,000 रुपये का है। तो भाइयों अब आपको चला के थोड़ी क्वालिटी दिखाते हैं। भाई की जो दुकान है काफी बड़ी है, आप अलॉय व्हील वगैरह सब कुछ ले सकते हो भाई, विद स्पेसर है ये, कमाई भाई इनू भाई, हर तरह के जो है ये स्पेसर है जी इसमें जो है। तो भाई हर चीज मॉडिफिकेशन की ट्रैक्टर की मिल जाती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और भाई ये जो छतरी का कपड़ा है, तो भाई रैक्सीन के जो कपड़े हैं छतरी पे लगाने के लिए, ये बहुत सारी क्वालिटी है भाई के पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसा रंग जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो। तो भाइयों इस तरह से कुछ फाइबर छतरियां जो भाई जितने भी मॉडल है, एक बार भाई को आप फोटो वगैरह कुछ भी दिखा दो तो तुरंत आपको वैसा ही अवेलेबल हो जाएगा, सिंपल ले लो, लाइटिंग वाली ले लो, जैसा मर्जी सिस्टम तैयार करा लो जी, क्योंकि भाई को 10-12 साल इसी काम में हो गए हैं, हमारे क्षेत्र में जो है मुजफ्फरनगर क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने ये काम स्टार्ट करा था। तो भाई स्टॉक की कोई भी कमी नहीं है, डिब्बे ही डिब्बे, बक्से ही बक्से, जैसा सामान चाहो वैसा ले लो, बच्चों के खिलौने खिलौने सब कुछ है इनके पास भाई, एक बार आके ही पता लगता है कि भाई सामान है कितना। ट्रैक्टर की जाली, इंडिकेटर, लगभग भाई सब टोटली अगर आप कहें मॉडिफिकेशन का पूरा सामान है। और ये जो यू पाइप वगैरह है इसके, ये खुद मैन्युफैक्चरर है, अपने आप मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए थोड़ा जो है ग्राहक को फायदा हो जाता है भाई। ये देखो इस तरीके से जो इन्होंने तैयार भी करके रख रखे हैं, इस आओ और अपना रेट पता करके लगवा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ये फाइबर छतरियां हैं, हुड जो उनके होते हैं बिल्कुल न्यू पड़े हैं, ये इस तरीके से पैक होके आते हैं। और भाई ये जो पूरी पैकिंग कर रखी है, ये होल सेल के लिए, कोई भी सामान कोई दुकानदार भाई को चाहिए हो तो कहीं भी मंगा सकता है, ये देवरिया जाने हैं जी। और ये देखो जी बूफर वगैरह हर तरीके के भाई होलसेल में भी सामान देते हैं, किसी दुकानदार भाई को जरूरत हो तो।
तो भाई ये जो मॉन्स्टर टायर है ये लगभग 25,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी रेंज भाई 40-45,000 रुपए तक भी जाती है। तो भाई जिन चीजों के रेट बताए भाई, और रेट के मामले में अब से मान लो कोई भाई 1-2 साल बाद वीडियो देखता है और यही रेट मांगता है, तो भाई रेट घटते बढ़ते रहते हैं। ये 2022 जनवरी के ये रेट हैं जी। अब भाइयों को सबको लोकेशन और इनका फोन नंबर देता हूँ मैं। तो भाइयों जो अपना गुरमीत सिंह जी की दुकान है, गुरमीत भाई का ये नंबर है भाइयों, नंबर पे रोक के रखूँगा, पंजाब हार्डवेयर के नाम से भाइयों, ये पुरकाजी पड़ता है भाइयों मुजफ्फरनगर से, 25 किलोमीटर छोटा सा एक ये कस्बा है मुजफ्फरनगर से जी, और लक्सर रोड पे पड़ता है जी, ये सामने पूरा पूरा लक्सर रोड आ जाता है, मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर है। तो भाइयों जो फ़ोन करने का वो लगभग 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ही फ़ोन करें, और भाइयों अपना प्रॉपर एड्रेस बता के इनको पेमेंट पूरा डाल के अपना कोई भी सामान भाई मंगा सकते हैं। तो भाइयों आज का वीडियो था म्यूजिक सिस्टम स्पेशलिस्ट भाइयों, ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन के लिए और कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, धन्यवाद जी।